आते ही लोग गणेश चतुर्थी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और गणेश चतुर्थी आते ही जोरों शोरों से अपने घर, दफ्तर, गली मोहल्ले में गणपति की पंडाल सजाती है। इस बार भी देश भर में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। गणेश चतुर्थी की धूम, अलौकिक साज सज्जा दिखाने के लिए हम लिए चलते हैं आपको हरियाणा के गुरुग्राम में, जहाँ DLF फेस 2 में गणेश चतुर्थी की धूम दिखाई दी। भगवान गणेश जी के स्वागत के लिए चारों तरफ फूल और गुब्बारे से साज सज्जा की गणपति जी की पंडाल को चारों तरफ से सजाया गया। वहीं आपको बताते चले कि नरेश शर्मा और उनके बेटे ऋषभ शर्मा व बहू आकांक्षा शर्मा 8 सालों से 1.5 दिन के लिए गणपति बप्पा को पूरे विधि विधान से विराजमान करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जैसे ही गणपति बप्पा को लाया गया तो दरवाजे से ही बप्पा का फूलों की वर्षा कर ढोल नगाड़ों के बीच मराठी कल्चर के साथ स्वागत किया गया। गजानन गणेश को लड्डुओं का भोग लगाया गया। पंडित जी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। DLF फेज 2 में लगातार 1.5 दिन तक भगवान गणेश की विधिवत रूप से पूजा की जाएगी। इसके बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि भगवान श्री गणेश को हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजने वाले भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा का विधान है। इस आयोजन में महाराष्ट्र से आई हुई टीम और उनके द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया के स्वर सुनाई दे रहे थे। सभी लोग गणपति बप्पा के स्वागत में भाव विभोर होकर नाच गा रहे थे। मुंबई का कल्चर आप यहाँ दर्शा रहे हैं, गणपति बप्पा आप 1 दिन का 1.5 दिन का रखते हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे? और ये जो बच्चे हैं, कब से आपका अटैचमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी तारीफ कर रहे हैं वो? नहीं, तारीफ किसी की कोई नहीं करता, ये सब गणपति का है। और ये बच्चे इतने डेडिकेटेड हैं, दे आर गिवन देयर लाइफ टू गणपति। इनकी अपनी एकेडमी है बच्चों की, पूरा साल मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और इनको बहुत हमारे से ज़्यादा खुशी होती है कि गणपति जी आ रहे हैं, गणपति का महोत्सव है। ये अपने आप में ही इनमें इतनी ऊर्जा और इतनी वो रहती है कि ये पूरा साल इस चीज़ की तैयारी करते हैं कि इस बार गणपति में हमको कैसा परफॉर्म करना है। एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए, ये सारे कितने यंग हैं और फिर भी ये इनकी आस्था है गणपति के अंदर में। इनका कुछ ना कुछ काम गणपति बापा ने जरूर किया होगा और आगे भी हम सब। ये कब से आप गुरुग्राम में गणपति पप्पा रखते हैं? 8 साल हो गए हमारे को यहाँ पे गणपति के। 8 साल? 8 साल से हम लोग यहाँ आए हैं और 8 साल से हम गणपति रख रहे हैं। कल्चर यहाँ देखने को मिला, सबसे बड़ी बात ये कि आपके बहू और बेटे में जो कल्चर देखने को मिला कि भव्य तरीके से दरवाजे से गणपति पप्पा को लाया गया, भव्य स्वागत किया गया, फूलों की वर्षा की गई, जो कल्चर देखने को मिला, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी तो कहाँ जा रही है तो पता ही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ये हर आदमी के ऊपर में होता है, आप अपने बच्चों को किस तरीके का डेवलप करते हैं, किस तरीके की उनको शिक्षा देते हैं, किस चीज़ का उनका आध्यात्मिक ज्ञान कराते हैं। और ये बच्चे आने से इतनी ये हमारे अंदर एनर्जी भर देते हैं कि हमें भी लगता है कि वाकई गणपति आ रहे हैं। और सच में ये बहुत, जैसे मैंने पहले बताया था, ये सबका मिलजुल के एक समुदाय का ये त्यौहार है। इसमें हर समुदाय के लोग मिलते हैं और हर प्रांत से, हर जगह से सब लोग आते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें पंजाबी आएंगे, सिंधी आएंगे, ऐसे आएंगे कि मराठी आएंगे कि बंगाली आएंगे, सब इसको मिलके मिलाते हैं ये कम्युनिटी। गणेश चतुर्थी हर साल आती है, हर साल हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गणपति पप्पा रखता है, लेकिन आपके यहाँ से एक अलग संदेश जाता है, परिवार का संदेश जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों? नहीं, सबको हमारा क्या कहना है, तो गणपति है, कैसे आपको सद्बुद्धि दे, सबको वो करे। और हमारे तो देवताओं में सबसे प्रथम स्थान जो है वो गणपति को दिया गया। कोई भी शुभ कार्य बिना गणपति के नहीं होता, तो ये एक अपने आप में शक्ति हैं। ये आपको अच्छे मार्गदर्शन दिखाते हैं, आपको ये बताते हैं कैसे माँ बाप की सेवा करनी है, कैसे भाई बहन की सेवा करनी है, कैसे करना है, उस हिसाब से उनका संदेश है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, और ये बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया ये बच्चे करते हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम। आप गणपति पप्पा यहाँ पे आए हैं, नरेश जी के यहाँ आप हर साल आते हैं, कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार, मी उमेश चाबुकसर, मी दरवर्षी म्हणजे 4 वर्षापासून इथे येतो सरांकडे, आणि सरांकडे आल्यानंतर एक आपलंसं वाटतं, म्हणजे एक नातं जोडलं गेलेलं आहे सरांसंग, सरांसोबत जे नातं जोडलेलं गेलं जे आम्ही त्यांचे, ते आमचे आजोबा आणि आम्ही त्यांचे नातू। इथे आल्यानंतर आम्ही जो परफॉर्म करतो तो परफॉर्म केल्यानंतर असं वाटत नाही की आम्ही परफॉर्म करायला आलो आहे, ॲक्च्युली आम्ही ज्या घरात गणपती आलेला आहे त्याच घरात गणपतीचं आगमन करण्यासाठी स्वतःहून
डांस करायला आलेले. मुंबई के कल्चर आपने यहाँ दिखाए, मुंबई की कल्चर पर डांस आप लोगों ने किया है, कौन कौन से डांस के? इथे आम्ही घेऊन आलेले महाराष्ट्राची लोकधारा, म्हणजे यामध्ये आम्ही लोकनृत्य आणि लोककला या दोन्हीही सादर करतो. ॲक्च्युली आमची टीम आरती क्रिएशन ही वर्ल्ड वाईड, म्हणजे आता वर्ल्ड वाईडच म्हणावं लागेल, कारण आमची एक टीम जी आहे ती सध्या लंडनला परफॉर्म करते गणपतीमध्ये, आणि आम्ही आमचं सौभाग्य आहे आमचं आम्ही इथं शर्मा सरांबरोबर ती सरांनी बोलवलं आहे आम्हाला, तर त्यामुळे आम्ही शर्मा सरांचे खूप खूप आभारी आहोत की ज्यांनी आम्हाला पुन्हा एकदा गणपती आगमनामध्ये बोलवले आहे. काय माहिती आहे का, आता जसं आम्ही ज्या ग्रुपच्या आहेत आरती पाटणकर, त्या मॅडम आम्हाला आईसारख्या आहेत. आरती पाटणकर आमच्या आई आहेत, आणि आपण कसं मामाच्या सुट्ट्या दिवाळीच्या सुट्ट्याला येतो, मामाच्या गावाकडे जातो, आजोबांकडे जातो, तर असं वाटतंय की ते आमच्या आईचे आम्ही गावाकडे आलेलो आहे. म्हणजे हे शर्मा सर आमच्या आजोबांसारखेच आहे, आणि इथं आलं एवढं प्रेम भेटतं आम्हाला, ना खाण्याची कमी ना राहण्याची कमी, तर हे सगळं आमच्या आईमुळं आणि आमच्या आजोबांमुळे झाले. कसं लग रहा भाई हा आहे मुंबई से? मला खूप चांगलं वाटतं मी इथे येऊन. मी ॲक्च्युली पहिल्या वेळेस आलेलो शर्मा सरांकडे, याच्या पहिले मी आलेलो नव्हतो. आमचा जो ग्रुप आहे हे चार ते पाच वर्षापासून इथे होतो आहे, पण मी फर्स्ट टाईम आलो, पण मला खूप 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 चांगलं वाटलं. असं वाटतं बाबा इथून जाऊ नको असं वाटतंय. क्या कहेंगे मॅडम आप मुंबई से यहाँ आए हैं गुरुग्राम शर्मा सर के यहाँ कार्यक्रम में? फर्स्ट ऑफ ऑल गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा, गणेश चतुर्थी आहे सर्वांना, आणि खूप भारी वाटतंय. असं वाटत नाही आहे, म्हणजे घरच्यासारखंच सगळं वातावरण वगैरे आहे, आणि आम्ही आलो आणि सगळं सेलिब्रेट करतो आहे. आम्ही डान्स, म्हणजे आमची महाराष्ट्राची जी लोकधारा आहे तिथे इथे प्रेझेंट करतो आहे, त्यामुळे खूप भारी वाटतं आहे, आणि सगळं घरच्यासारखं आहे, त्यामुळे असं वाटतच नाही की बाहेरचं आहे, म्हणून खूप भारी वाटतं आहे. आप क्या कहेंगे मुंबई से यहाँ आई? खूप मस्त वाटलं मला, थँक्यू. आप बोलेंगी मॅडम? जी काही नाही, खूप मजा आली इकडे, आणि नेहमीच येते. कोण कोण से कल्चर के आप लोगों ने डांस किए मुंबई कल्चर? जी हमने मराठी डांस किए, फोक वाले जो गणपती के है, गणेश जी के लिए होते हैं, ते आम्ही सॉन्ग्स केले इथे डांस केले, आणि एक कृष्णा डांस केला, कृष्णा सॉन्ग. ठीक आहे, बस. दिल्ली से BCN न्यूज के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट.